अब देखते हैं हम दूसरा स्टोर, बस उसको खोलते हैं फिर देखते हैं। चलो जाओ अपना क्या ए करो टाइम से, अब मेरा लगता घंटा पहुंच। अब दादी चलेगा मिल, अब काफी टाइम बाद ही मिलेगा दादी से। हाँ बीच में कभी चक्कर लगा गाँव का तो तब शख्सम। मतलब आज मैंने सोचा कि पापा मम्मी को ट्रीट देता हूँ मैं अपनी तरफ से। मैं आपको बाकी सब दिखा दिया, बस स्टोर बचा था, इतने दिनों से टाइम ही लग रहा था स्टोर दिखाने। ओके तो देखो जी अभी आए हैं हम यहाँ, तो यहाँ देखो ये सारे जो ये अभी ड्रम्स यूज हुए आपके अपने स्प्रे में वो सारे यहाँ रख दिए गए। ये फ्रीक्वेंट यूज होते हैं तो इसके लिए यहाँ रख दिए गए, क्योंकि ये स्टोर खुलता रहता है बार बार। जैसे इसमें यहाँ खाद है, देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी अपने संतोष भाई ये वाली खाद डाल रहे हैं। इतना गंद था पहले, मुझे याद है कल कितना ज्यादा गंद था और कितना क्लियर हो गया अब, और कैसे लाइन में लगा दिया हर एक चीज। ये देखो प्रॉपर एक ऑर्डर है, अच्छा भी लग रहा है देखो अब कितना, वरना कितना मेसी मेसी सा लग रहा था यहाँ सारा। वेरी गुड जॉब, सही में सारा लग गया अब अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर में, वरना सही में बहुत मेसी होगा था, मेसी था हाँ। बहुत ज्यादा प्रॉपर ऑर्डर, ट्रू दैट, सही बात है जी। नहीं मगर बहुत सही लग रहा है भैया, आप भी बताना कैसा लग रहा है। अब देखते हैं हम दूसरा स्टोर, बस उसको खोलते हैं। लग तो एकदम रहा है दादी, जचा दिया है ना, अगर खाली करे ना इसको। हाँ जी इसमें तो पूरा मेला। ओ बहुत बड़ा है दादी। हाँ, बड़ा बहुत। और ये देखो जी, मैं आपको दो दिन से रात को ही दिखा रहा था जब मैं और पापा इसको सेट कर रहे थे। ये अपनी ये क्या बात है, हर एक जगह अपनी मेहनत में, स्त्री मास्त्री कुछ नहीं। नहीं जी ये सारा शम्मी अंकल का, ये हमने खुद ही किया, मैंने और शमी ने मिल के। हाँ, दोनों की मेहनत। आइडिया वाज माइन, ओके, एंड शमी इंप्लीमेंटेड दैट। क्या बात है, शमी ने फिर उसको पूरा किया। आई गेव हिम आइडियाज, ओके, यहां से ऐसा करो, यहां से ऐसा करो। ओके तो यू आर सेटिस्फाइड? हां वेरी। देखो सिमेट्री में लगाया देखो हर एक चीज, मतलब ऐसा कोई डर ही नहीं अब कि कोई गिरेगा या कुछ होगा इसमें, भार भी पड़ जाएगा, बर्फ भी पड़ जाएगी, तब भी कोई टेंशन नहीं कुछ होगा। स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम, थिंग्स हैव बीन रिजॉल्वड, वी हैव अरे लॉट्स ऑफ स्पेस। अभी देखो इतना स्पेस, आधे से ज्यादा स्पेस अभी खाली है इसमें पड़ा हुआ। देखो ये जो हमारे मतलब डेली यूज में नहीं आता है, ये मैट्स हो गए, तार, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, तरपाल, हाँ तरपाल हो गया आपका, ये किल्टे हो गए, ये वुडन वाले, अब ये ज्यादा काम आते नहीं है। बाकी टब वगैरह नहीं आते, क्रेट्स आपकी उसमें क्या बोलते सीजन में काम आएगी बस, और वो कट्टे हाँ लगानी है उसके लिए भी बढ़िया, सही बात है, एक जगह पूरी मशीन ले। हाँ सड़क की वो है दादी, बस थोड़ी कमी सड़क की, तो कोई फिर तो सारा काम हो जाना अब। अब हो गया है, बारे में भी आप जरूर बताना कैसा लगा आपको स्टोरी। पापा और शम्मी अंकल की मेहनत है, लुक दे देता हूँ मैं आपको। ये देखो इसके बाद शीट्स लगा दी गई है ये, ताकि कवर रहे अच्छे से, क्योंकि अभी आपको पता है बर्फ का सीजन आने वाला है, बर्फ होने वाली है कभी भी, तो उसके लिए सपोर्टर है दादी। हाँ हाँ जी, सेव लगेगा ताकि झुके ना, और ऊपर से भी इवन पूरा कवर कर रखा है, चादर ही चादर है। हमने बाकी कुछ नहीं, सिर्फ चादर से कवर किया है, क्योंकि अभी हमारे को एक तो ऐसा था कि थोड़ा अर्जेंट भी था और ऐसा भी था चलो अच्छे से हो भी जाएगा इससे कवर, अच्छे से भी देखो चादर ही चादर है, ये देखो पूरी चादर से कवर किया है। कोई पोल आ रहा था उसके लिए भी स्पेशली एक हिस्सा काट के रखा है ताकि इसको कोई दिक्कत ना है। हाँ सोलर लाइट है भाई, देखो ये मतलब हमारे को गवर्नमेंट की थ्रू प्रोवाइड की गई है, हर एक गांव में हर एक घर की आगे है ना, सब्सिडाइज्ड रेट पे। देखो क्या बात है, बताना मेरे को स्टोर कैसा लगा आपको, मेहनत पापा और शम्मी अंकल की मेहनत कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अम्मी और दादी चल रहे हैं नीचे, क्योंकि गाड़ी वाला आ गया दादी के लिए। फिर दादी को अलविदा भी कहते हो यार। गाड़ी मम्मी पैसे नहीं दिए, फिर आप लोग रेडी रहो तब तक, फिर ताकि मैं भी बस कपड़े पहनूं। हाँ हाँ हवा चलने लगी, अब जा रहे हैं ना, इतने टाइम बाद है अब तो सही में ही लग रहा है यही अपना घर। 16 दिन हो गए, सही आप लोगों को तो। हाँ जी आप लोग रेडी रहो पापा, मैंने कपड़े पहनने फिर वापस आगे बस। अभी नेश ने अभी
हाँ ये भी है देखने, चकने वाले है, पत्ते उठाने वाला। हाँ हर जगह है। अच्छा पत्ते पुत्ते यहाँ से चलो दादी, पूरे रास्ते से हर कहीं से ना उतरना है। ये देखो आगे से गर्मियों में ले चले गए दादी को, अब आगे आगे चलेंगे। चलो जाओ अपना क्या ए करो टाइम से, अब मेरा लगता घंटा पहुंच। हेलो भाई क्या दादी, थैंक यू। टैंक होना था दिए, आजकल ही बनाया यार शायद, क्योंकि पहले तो था नहीं। हाँ परे वालों का, क्योंकि पहले तो डेरा होता था यहाँ। अरे दादी यहाँ से नीचे तो और भी खराब है, ये जो का ऊपर से गिरा कुछ तगड़ा घुसा तो इसमें झाड़ियों में इतना साइड में बीच में रोड में ऐसे, उसमें डर रहता है कि नीचे जाके अपने ही सर में ना गिरे। नीचे फिर बेचारा। हाँ जी दादी, तबीयत तो नहीं होगी अभी आपकी खराब, क्योंकि सड़क ऐसी है डामाडोल। अच्छा राम राम से। बैठो जी। हाँ दादी बस निकल रही है, पीछे बैठे के ना ना। आगे तो बैग पीछे रखो आप, नहीं आगे रखो। चलो फिर चलो करके तो रोला। ठीक है कहाँ नहीं बैठूंगी मैं, नीचे के ऊपर लिफाफा रखूंगी। अच्छा उसके ऊपर टांगी रखो, डंडा ऊपर लेगा। क्यों ले जाओ वहाँ के लिए, चलने के काम आएगा। लो तो मैं तो ऊपर आना नहीं रहा। ठीक अरे काम आएगा वहाँ, ठीक है ध्यान रखना अपना। ठीक है मिलते हैं बहुत जल्द आपको। हाँ कोई नहीं, ध्यान से जाना, आप रखना ध्यान अपना। हाँ जरूर जरूर दादी। हाँ हाँ जी ठीक है भैया, ठीक है दादी भाई, ओके जी ओके बाय। दादी यहाँ से मानते हैं यार सड़क थोड़ी ख़राब है, बट ऐसा सीन था कि दादी को अगर नीचे से ले जाते मतलब ऊपर ले जाते ना तो ऊपर चढ़ाई बहुत फंसती है दादी को, और चढ़ाई में इनसे चला नहीं जाता, तो नीचे अब इसलिए लाए कि मैं चलो यहाँ से चौपाल होते फिर परे कशांडी छोड़ देंगे भैया। दादी मतलब ना ऐसे बुरा लगता है यार कि जब बच्चों के साथ तो बहुत खुश रहते हैं दादी, जब ऐसी हो जाए ना अब बड़े अपने उसमें व्यस्त होते हैं, फिर दादी अकेले हो, दादी को बहुत बुरा लगता है कि अकेले फिर बोर होते हैं, तो उस करके दादी बेचारे थोड़ा फिर यही होता है कि आओ मेरे पास आओ, यहाँ आना वहाँ आना। तो तभी ऊपर गाँव भी स्पेशली तभी लाए थे पापा यार कि चलो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा दादी के लिए, थोड़ा एक अलग हो गया, बाकी कुछ नहीं। रास्ता भी जाता है ऐसे पैदल पैदल रास्ता भी जाता है, मगर अब सीन ऐसा है यार अब लोग ना रास्ता मतलब चलते कम मेन रास्तों में ना, तो अब वो रास्ते रहे नहीं है प्रॉपर। ये किया कि यार इस बार ही मतलब मैंने बोलूँ क्या किया, मैं कुछ काम करो कुछ करो, मैंने कैमरा ऑन जस्ट रखा है, वीडियोज़ बनी है भाई 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की, एडिटिंग करते हुए मुझे पता लगेगा भाई इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ काट के फिर छोटे छोटे पार्ट रखने। दादी को गुड बाय कर दिया, बुरा तो मुझे भी लग रहा था दादी को ऐसे बाय करते, क्योंकि यार दादी के साथ ना मतलब एक वो माहौल ना बना रहता है, और मेरे को ना बहुत खुशी होती है दादी के साथ ऐसे बातचीत करना ये सब बहुत। तो रुको चप्पल पहन के मैं भी आता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो ये यहाँ अभी रूम खाली हो चुका है। हाँ वही तो यहाँ देखो प्रुनर वगैरह ने सब ने अपने बिस्तर यहाँ लगा दिए है, ये रूम पूरा खाली कर दिया है, सफाई इसकी बाद में करेगा वापस आ गया क्योंकि इतना भी टाइम है नहीं। बस बाकी ऑलरेडी पापा वगैरह पापा मम्मी ने खाना खा लिया है, मैं यहाँ चाय बना रहा हूँ, मम्मी बस वहाँ थोड़े बर्तन धो रहे हैं। मस्त हो गए, मस्त खत्म खाता अब खुशी सक्षम ओ सक्षम सक्षम की फोटो ले लिया। भाई साहब हवा, ये हवा कुछ तो क्या तो बर्फ आएगी। हाँ जी लग रहा है इसमें तो बर्फ ऐसा लग रहा है, बादल आ चुका है और हवा लिटरली इतनी तेज चल रही है ना भाई, इतने दिन मतलब मेरे को 3-4 दिन हो गया, 3-4 दिन से बिल्कुल गुम था मौसम, मतलब हवा का नाम नहीं था, और जो हवा चल रही है आज अभी बिल्कुल ठंडी।
चल पर जमी जी चले हम है ना संतोष भाई चाबी आए तेरा इस बात को लग रहा है बहुत है तेरे सारे हो गए तेरे और को यार ये बड़ा भी टेढ़ा है नीचे जैसे कच्चा स्पोर्टर लगा ना हाँ ये हाँ अच्छा हाँ अरे मारी के बाद ना वो नहीं लग रहा कि क्या कहते फूल आ रहे हैं चिटे चिटे जो दिख रहे कहाँ दिख रहे फूल कटिंग की है जिनकी अच्छा बेटा हाँ कहाँ घूमी घूमी चलना चल आ जा आजा थोड़ा घूमी घूमी करके आते हम आजा तो गाइस ये देखो ये जो आयड पापा बता रहे थे बकरियों की जो भेड़ और बकरियों का गोबर ही बोल रहे हैं गोबर तो वो सारा देखो यहाँ यहाँ वो ना बैठते हैं हफ्ता हफ्ता अच्छा नोमैड सारे इधर बैठते यहाँ रेस्ट करते चुगाते फिर अपने ओके यहाँ से इधर उधर लाएंगे अच्छा इधर करते स्टे करते क्या रात को फिर वो जो ना गोबर इकट्ठा होकर अच्छा छान पहले ही है यहाँ है तो ये इकट्ठा करके क्या बात फिर वो बढ़िया खाद हो तो ये मिट्टी भी काम आती है बापू जी इसकी जंगल की मिट्टी भी क्या बात है वो तो इकट्ठा हो जाता ना फिर हमारे को देखो नेचुरली इतनी ज्यादा चीजें मिल जाती है आसपास की तो और की जरूरत क्या है यार मानते थोड़े केमिकल की अब ज्यादा जरूरत पड़ जाती है जैसे बीमारियां होगी उस करके बट अगर थोड़ा इनसे राहत मिल जाती ना तो बंदा नेचुरली चलता है भाई देखो जंगल इतना सारा है यार ऑर्गेनिक टोटली ऑर्गेनिक ये देखो इतना सारा है भाई कमी नहीं है यहाँ पूरे उसमें हाँ देखो पूरे उसमें इसी के साथ हम गाड़ी में पहुंच गए अब मैं ज्यादा रिकॉर्ड करूंगा नहीं इसमें बैटरी भी नहीं है और फिर अब निकलना भी है लेट भी हो रहा है 3 से ज्यादा हो गया टाइम तो अब जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है साइड बाई साइड गाड़ी कर देता हूं ताकि क्योंकि गाड़ी ऑन ये अपना कोल्ड स्टार्ट करनी जरूरी है ताकि इंजन गर्म हो जाए अपना बस ये देखो अब इसमें ना ये देखो आवाज़ ऐसी करेगा गाइस खोल जा चिपक गया जैसे मैंने पहले बताया तो तभी आवाज़ कर रहा है वैसी फाइनली अब पहुंचे हैं हम यहाँ कैफे हट यहाँ खाते पीते कुछ पापा का बड़ा मन था चाय पीने का तो फिर चाय के ये आगे मैं चलो चाय पी लेते हैं थोड़ा बहुत खाते पीते फिर निकल जाते हैं घर जाके मम्मी ने फिर वो भी करना हो गया आज भी तृप्ति में डिनर है मैं कर रहा हूँ आज डिनर बोलो करवा लेता हूँ मेरे को कुछ नहीं तो गाइस फाइनली हम शिमला पहुँच चुके हैं और अभी आए हम तृप्ति मैं सोचा डिनर करके चलते हैं भाई क्योंकि ऐसा सीन है कि घर जाके देखो मम्मी पापा भी थके तो ऐसा होना था फिर घर जाके डिनर बनाओ फिर खाओ फिर काफ़ी लेट हो जाना था तो ऐसा है कि डिनर करके चलते घर जाके सीधा आराम आज मैंने सोचा कि पापा मम्मी को ट्रीट देता हूँ मैं अपनी तरफ से क्योंकि यार इन्होंने मतलब 15-16 दिन से बेचारे मतलब गाँव में थे पूरा काम निपटाया तो काफ़ी मेहनत की है मतलब उसमें मैंने सोचा ट्रीट बनती है भाई इनकी जाओ तो नीचे चल जाना है तो नीचे तो ऐसा कुछ सीन है जैसे व्यू देखो यहाँ से अपने घर का घर 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 मेरे को तो खुद नहीं पता लग रहा मेरा घर का है भाई तो गाइस फाइनली सॉरी फाइनली डिनर हमने कर लिया है अभी मैं वॉशरूम में हाथ धोने बाकी भाई बहुत खा लिया आज इतना ज़्यादा खा लिया भाई पेट भर भर के बस अब चाय मंगवाइए एक चाय पिएंगे और थोड़ा गाजर का हलवा वो खाएंगे बस फिर उसके बाद घर और रजाई लेंगे चलो भाई सोने कैसा रहा जी डिनर बढ़िया मज़ा आया खा के इतने टाइम बाद बाहर का है वरना आप लोग बेचारे गाँव में ये लाइट पड़ रही ट्रीट ठीक रही जबरदस्त चलो ठीक है मज़ा आ गया आनंद हो गया ना बस यही चाहिए था जी बाकी का बाकी कुछ नहीं यही चाहिए था किस्मत ही बहुत अच्छी है भाई हमारी पता नहीं क्यों ये तो मेरा आज भाई किस्मत ही बहुत अच्छी है देखो पार्किंग हमारे को बिल्कुल साथ में मिल गया आज किसके विकास नगर बस स्टॉप के साथ मतलब हमें पता नहीं कितने सालों बाद कितने टाइम बाद यहाँ पार्किंग मिली होगी भाई वरना स्पेशली जाना पड़ता था वहाँ कुसुमटी वाले रास्ते में ऊपर ऑलमोस्ट सोच लो मतलब कुसुमटी में ही पार्क करते थे हम गाड़ी मगर आज बिल्कुल विकास नगर बस स्टॉप के साथ मिली है भाई इतनी अच्छी किस्मत है अब हम बिल्कुल सीधा सीधा होके नीचे उतर जाएंगे काम भी सारा निपटा लिया खाया भी बढ़िया से आराम से और बाकी पार्किंग भी मिल गई और क्या चाहिए भाई शिमला में पार्किंग मिलना इज़ लाइक हे भगवान भगवान मिल गए जैसे फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ अपने टेरेस पर सीन ऐसा है कि मैं आ गया था ऊपर सब कुछ कर दिया मैंने एक्चुअली मम्मा बीमार थे तो मैं अभी करके आया सब कुछ जैसे पानी गर्म किया पतीला बॉईल करने पे लगाया एक्चुअली क्या है हमारा ना एक्वागार्ड थोड़ा ख़राब हो गया काफ़ी पुराना हो गया एक तो उस पर भरोसा कर नहीं सकते तो इसलिए पानी बॉईल करना होता है सारी बॉटल्स भरी फिर ग्रीन टी पी पापा को पिलाई मम्मा को पिलाई फिर उनको मैंने मतलब ऑलमोस्ट सेट करके दे दिया सब कुछ बस सोना है उन्होंने भी मैं भी फिर ऊपर आ गया मैं भी अब करता हूँ अपना काम चलो करते अब अपना काम और करते इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और जाने से पहले
बेल घंटी जरूर दबाए। तो गाइस मिलते हैं आपको एक ऐसे व्लॉग में बहुत जल्द, करते कुछ एक्साइटिंग का, तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं आपको बहुत जल्द, तब तक लिए टाड़ा बाबा सी।